विद्यार्थियों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा बारहवीं जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में सत्र दो हजार तेईस चौबीस में जो हमारा नया पाठ्यक्रम है उनमें कौन कौन से चैप्टर हमारी सत्र दो हजार बाईस तेईस के जो पाठ्यपुस्तक है उनकी तुलना में दो हज़ार तेईस चौबीस में कौन कौन से पाठ्यक्रम हटा दिए गए हैं या नए सत्र में कौन कौन से पाठ उसमें से कम हुए हैं उनके बारे में उनकी तुलना करने वाले है। देखते हैं आज सबसे पहले देखो यूनिट इकाइ है जनन इकाई छः का जो पहला चैप्टर था दो हज़ार बाईस तेईस में जो जीवों में जनन वो चैप्टर इसमें से हटा दिया है और उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर था वही हमारा इस चैप्टर में अध्याय नंबर एक में आ गया है और उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उसके अलावा देखो अध्याय सेकंड मानव जनन और अध्याय तीन जनन स्वास्थ्य दो हजार की जो पुस्तक थी उसमें हमारे चार चैप्टर थे उसमें जो पहला चैप्टर था हमारे इकाई यूनिट सिक्स का पहला जीवो में जनन वो हट गया है और उसके बाद वाले जो तीन चैप्टर हैं वो से इसमें है पुष्पी पुष्पिपादमा में लेंगी जनन दूसरा चैप्टर मानव जनन और जनन स्वास्थ्य अगली देखो इकाई छः इकाई सेवंथ आनुवंशिकी तथा विकास इसका देखो चैप्टर नंबर पहला है चौथा नंबर वंशानुगति तथा विविधता के सिंधान अध्याय पाँच है वंशानुगति के आणविक आधार और अगला चैप्टर हमारा विकास तो का सेवंथ जो अनुवांशिकी तथा विकास है उसमें हमारे तीन चैप्टर पिछले वर्ष भी थे और इस वर्ष भी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ यूनिट जो सिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है वो हट गया है आगे देखो यूनिट जो आठ है मानव कल्याण में जीव विज्ञान इसमें देखो जो तो चैप्टर नंबर सेवन्थ है मानव स्वास्थ्य तथा रोग उसके अलावा देखो इसके साथ के बाद एक और इसमें चैप्टर था हमारे सेकंड जिसको नाइन चैप्टर था पिछले वर्ष जिसका नाम था खाद्य उत्पादन में वर्ती की कार्यनीति वो इस चैप्टर दो हज़ार तेईस चौबीस के पाठ्यक्रम से हट गया है और इसमें अब हमारे जो दो ही चैप्टर हैं सेवंथ अध्याय और एट और सेवंथ का अध्याय है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग और एट चैप्टर है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अब देखो इकाई हमारी जो नव है जैव प्रौद्योगिकी की और इसमें हमारे जो दोनों चैप्टर हैं पहला चैप्टर जो नाइन नंबर है जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत एवं प्रक्रम वो सेम ही है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अध्याय नंबर जो दस है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग ये दोनों चैप्टर हमारे सेम टू सेम है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब देखो यूनिट नंबर दस पारिस्थिति की इसमें देखो यूनिट नंबर जो हमारी ये अध्याय गेरा है जो जीव एवं समष्टियाँ ये तो सेम है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अध्याय हमारा जो बारह है पारिस्थिति की इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अध्याय हमारे जो तेरह है जैव विविधता एवं विकास इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इसके अलावा एक चैप्टर और था इसका अंतिम पाठ पर्यावरण के मुद्दे वो अट गया है तो टोटल हमारी जो यूनिट नंबर एक उसमें से हमारा एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर अट गया है उसके बाद हमारी यूनिट नंबर आपके ये इसमें थी जो एट में से एक चैप्टर अट गया है जिसका नाम हमने पहले भी आपको बताया है खाद्य उत्पादन में वर्दी की कार्यनीति ये चैप्टर हमारा अट गया है यूनिट नंबर आठ से और ये यूनिट नंबर छः आठ और जो लास्ट हमारी दसवीं यूनिट है इसमें भी हमारे एक चैप्टर आ आटे जो सोलह पार्ट पिछले फर्स्ट चलता था जिसका नाम था पर्यावरण के मुद्दे तो कुल मिला गया हमारे तीन चैप्टर आटे हैं और इसके इस साल हमें कुल टोटल तेरह जो पार्ट है वही पढ़ने हैं और हमारे तो जो पेजों की संख्या इस बार पिछले साल दो सौ चौरानवे थी उसकी जगह घट गया अब इस साल जो रह गई है पेजों की संख्या टोटल दो सौ छत्तीस ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद